हेलो गाइस, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ आप गूगल की इमेजेस को आप कैसे अपने वेबसाइट और अपने ब्लॉग या फिर थंबनेल पे आप यूज़ कर सकते हैं। सो लाइक जैसे कि ऐसे हम जानते हैं कि गूगल काफ़ी फेमस है एंड ज़्यादातर हम लोग गूगल से ही इमेजेस लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी इमेजेस और हमें हर टाइप की वैरायटी रेजोल्यूशन की हमें इमेजेस मिल जाती हैं। बट क्या आपको पता है कि अगर आप वहाँ से इमेजेस लेते हैं तो आपको कई बार कॉपीराइट क्लेम आ सकता है, अगर आप वो वाली गूगल की इमेजेस को आप अपने वेबसाइट पर लगाते हैं या फिर अपने यूट्यूब थंबनेल पर लगाते हैं तो कई बार आपको कॉपीराइट क्लेम आ सकता है। तो एक्चुअली गाइस, तो हम कैसे पता लगाएं कि हमें कौन सी इमेजेस यूज़ करनी है, हम कौन सी इमेजेस यूज़ कर सकते हैं। सो गाइस, आज मैं आपको वही बताने जा रहा हूँ कि आप कौन सी यूजेस कर सकते हैं अपनी साइट पे और कौन सी आप लगा सकते हैं। सो लेट्स गाइस शुरू करते हैं। सो जैसे कि आप गूगल पे जाएंगे तो वहाँ आपको सर्च करना पड़ेगा। हम सर्च करते हैं तो अगर मैंने सर्च किया गैलेक्सी नोट 9, जैसे मैं इमेजेस पे गया तो यहाँ पे आप देख रहे हैं बहुत सारी इमेजेस हैं। तो इसमें से बहुत सारी इमेजेस जो कॉपी राइट हैं और बहुत सारी हैं जो रीयूज हैं, आप उनको यूज़ कर सकते हैं। तो हमें कैसे पता लगाएंगे कि कौन सी इमेजेस कॉपी राइट हैं, कौन सी नहीं है, कौन सी यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे आपने सर्च किया तो यहाँ पे एक टूल का ऑप्शन आएगा, आप इसे क्लिक कीजिए और फिर यहाँ आप देखेंगे यूजेस राइट। तो यहाँ पे से लेबल फॉर यूज विद मॉडिफिकेशन, तो लेबल फॉर आप दोनों यूज़ कर सकते हैं मॉडिफिकेशन आप। तो अब ये जो इमेजेस आ रही हैं तो आप ये इमेजेस अपनी साइट पे आप यूज़ कर सकते हैं। ये इमेजेस है फ्री, आप अपनी पेपर आप अपनी साइट पर आप यूज़ कीजिए, आपको कोई भी कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा एक्चुअली। बट अगर आप चाहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि ये जो कॉपीराइट इमेजेस हैं वो आप अपनी साइट पे यूज़ करना चाहते हैं, क्योंकि ये काफ़ी स्टनिंग है, काफ़ी ब्यूटीफुल है, और अगर आप यूज़ करते हैं तो ये काफ़ी अच्छा लगता है वहाँ पे। अगर आप ब्लॉग के नीचे यूज़ कर सकते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है ये सारी इमेजेस। तो आप ये कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो उसके लिए गाइस आपको पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। परमिशन कहाँ से लेंगे, तो परमिशन आपको लेनी पड़ेगी इसके ओनर से। अगर वो आपको अलाउ करता है तभी आप उसकी ये इमेजेस आप अपनी साइट पर तभी आप यूज़ कर सकते हैं, वरना आप यूज़ नहीं कर सकते। मतलब चाहूँगा आप यूज़ ना ही कीजिए तो अच्छा है, बिकॉज अगर आपने विदाउट ओनर की परमिशन के आपने ये वीडियोज़ अपने ये इमेजेस आपने अपनी साइट पर यूज़ किया तो उसको अगर पता लग गया तो आपको सीधे फाइन करेगा, आपको क्लेम करेगा और आपको फाइन भरना पड़ेगा गाइस। एक्चुअली ये लॉ है, ये कॉपीराइट एक्ट है, सो हमें फॉलो करना पड़ेगा आपको। सो इससे अच्छा है कि आप वो इमेजेस लीजिए जो आप यूज़ कर सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छा है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि काफ़ी ऐसी अदर वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप अपनी इमेजेस ले सकते हैं, काफ़ी स्टनिंग इमेजेस आप वहाँ से ले सकते हैं। तो अब जी कौन सी वेबसाइट है तो ये मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा गाइस। आज के लिए इतना ही। आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, सो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड